अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नोएडा में फर्जी महिला आईएफएस गिरफ्तार, खुद को बताती थी पीएम की सुरक्षा सचिव, सरकारी गनर और एस्कॉर्ट भी चलती थी महिला के साथ। नोएडा पुलिस ने एक फर्जी महिला आईएफएस अफसर को उसके पति के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फर्जी आईएफएस अफसर पुलिस महकमे को धोखा देकर वीआईपी सुविधाएं ले रही थी। फर्जी महिला आईएफएस अफसर का नाम जोया खान है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 2 साल से महिला के साथ सरकारी गनर और एस्कॉर्ट भी चलती थी। पकड़ी गई आरोपी महिला जोया खान अपने आप को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात प्रमुख सचिव बताती थी। एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि आरोपी महिला कुछ दिन पहले उससे मिलने के लिए आई थी। इसके बाद जब जांच की गई तो महिला की पहचान फर्जी पाई गई। ये कुछ समय पहले मिलने आई गौतम बुद्ध नगर में और उसके पास एस्कॉर्ट था। जब पूरी जानकारी की गई कि कैसे एस्कॉर्ट इस लेडी के पास था, तो ये खुलासा हुआ कि ये फर्जी अपने आप को आइडेंटिटी इसने इंट्रोड्यूस करके और तब एस्कॉर्ट प्राप्त किया। सर, ये एस्कॉर्ट गौतम बुद्ध नगर में एक प्रकरण तो इसका स्वयं का था, गाड़ी के साथ इसने स्क्रैच वगैरह कर दिया था, उस तरीके का था। और भी अभी पता कराया जा रहा है कि कितने मामलों में इसके द्वारा मतलब इस तरीके की कोई पहमी की गई हो या कोई गलत काम कराने की कोशिश की गई। कौन सा मत हुआ है उस पर एक ऐप भी डाउनलोडेड है जिसमें कि वॉइस चेंज करके और एक पीए के नाम से कॉल करती थी कि वो अनिल शर्मा पीए इसका बोल रहा है और उसके बाद फिर अधिकारियों से स्वयं बात करती। आपको बता दें कि आरोपी महिला जोया खान हमेशा नीली बत्ती लगाकर लग्जरी गाड़ी से चलती थी। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद सहित कई थानों की पुलिस उसे सल्यूट करती थी। यहां तक कि जोया का प्राइवेट नंबर भी पुलिस अधिकारियों ने अपने मोबाइल में सेव किया हुआ था। फिलहाल पुलिस महिला से मामले में पूछताछ कर रही है। गौतम बुद्ध नगर से भूपेश की रिपोर्ट।